बहुत वधिया लग रहा जी, बहुत मन नूं खुशी महसूस हो रही है। बयान नहीं की जा सकती। सोचते हाँ भी सब दियाँ बच्चियाँ ऐसा ही करके विखाउण, क्योंकि देश में बहुत वड्डा दाज दहेज दा भी कलंक है। तो यहो जे बच्चे जे सारी बच्चियाँ ये सोच के चल पैन तो ये कोई दिन दूर नहीं जदों कि यहो जे बच्चे अगे आ के तो बहुत कुछ देश वास्ते कर सकते। मैंने शुरू तो ही सी इस बेटी तो बहुत माण है। बच्चे मेरे दो भी ने पर मैंने इस बच्ची तो बहुत माण है। जो इन्हें जन्म लिया मैंने दुख भी बहुत होया, मेरी दूजी बेटी आ गई है, मैं दाज दहेज तो भी किमें इसको पाल पोछेंगी। पर जब भी ये थोड़ा जिन्हें सुरत संभाली तो मैनू बहुत इस पर फख्र महसूस होया भी ये तो मैं गलत कर रही हाँ, भी ये तो मेरा बच्चा एक चीज़ यहोजा होगा जो सारे हिंदुस्तान में पछाण बनेगा। सारे भैन भरावान सब ने संजोग दिता, सारे संजोग दिता, जिसनों भी आख्या भी आ जाने जाने आने की पिंडों में बहुत प्रॉब्लम होंगी है। तो सारे चाचे ताया जिसनों भी क्या रात 2:30 बजे भी गड्डी इसनों चढ़ाना है, लैके भी आना है। ब्रदर छोटे ने, पापा इन्हें गड्डी नहीं चलाते। तो सारे संजोग दिता, सानू तो इस चीज़ बारे समझ ही नहीं बेटे, असं तो इस चीज़ बारे सानू पता ही नहीं गा। ये तो बेटी ने आप खुद ही चुने आपका रस्ता। हाँ जी हाँ, खुद असी तो अनपढ़, मैं थोड़ा जहा पढ़ी पंजाबी दी, पापा बिल्कुल स्कूल भी नहीं गया। हाँ जी हाँ जी, तो बैकवर्ड एरिया साडा। हाँ जी, साढ़े तो नेड़े बस सारे स्कूल होने वधिया स्कूल, तो साढ़े तो नेड़े स्कूल भी वधिया है नहीं सी कोई। ये बच्चे ने अपना रस्ता आप खुद चुनिया। मेरा नाम हसनदीप है जी, मैं किरणदीप कौर का ब्रदर हाँ जी। मैनू अज बहुत खुशी है कि मेरी भैन ने साडा नाम रोशन किया। मैं भी अपनी भैन वांगू सख्त मेहनत करांगा, मैं भी अपने माता पिता का नाम रोशन करांगा। अज मैनू अपनी भैन से बहुत माण है, साढ़े पूरे इलाके भी इस गल पर माण है कि साड़ी धी ने इन्नी वड्डी पदवी हासिल की है। मुझे बहुत खुशी है, और मेरा एक सपना था कि मैं जज बनूँ और वो मेरा पूरा हो गया है, और मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, बी इट फाइनेंशियली या मोटिवेशनली या किसी भी तरह प्रकार की, उन्होंने मेरी कमी नहीं महसूस होने दी, हमेशा मेरे साथ हर वक्त हर टाइम खड़े थे। मैंने माता गुजरी पब्लिक स्कूल चक्सु हेलेवादा से 10th पास की है। उसके बाद मैंने गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल मराठ कला मुक्तसर से 12th, एंड उसके बाद मैंने क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर करके राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला में से BA LLB ऑनर्स की है। एंड उसके उपरांत मैंने जुडिशियल सर्विसेज की कोचिंग ली है राहुल IAS इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, एंड टुडे हैव क्रैक द दिल्ली जुडिशियल सर्विस। आई लव कुकिंग उसके अलावा, प्लस मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुद पढ़ने के अलावा और बच्चों को भी साथ में पढ़ाती हूँ। तो हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता है, तो जब कॉलेज टाइम और उसके बाद भी हमेशा मतलब कोई गरीब हो या कोई किसी बच्चे को किसी भी तरह की पढ़ाई की मदद चाहिए वो मैं उसकी करती हूँ। मैं अपनी बाकी लड़कियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कर दिखाओ कि समाज आपको कभी नीचा ना देखे। आपको ऐसा करना चाहिए कि लोग एक लड़की को अपनी पहचान माने, ना कि अपना एक उसको एक बोझ ना समझे। तो जैसे मैंने मेरे पापा को, जो लोग उस जब मेरे पैदा होने पर दुख मनाने आते थे, आज वो हमारे घर में बधाई देने आ रहे हैं। सोचो, तो कुछ ऐसा कर दिखाओ कि लोग आपको हमेशा के लिए याद भी रखें, और आप अपना ही नहीं, अपने माँ बाप का भी ऐसा मान बनाओ कि लोग सोचे कि उसकी बेटी, वाह यार उसने ऐसा काम किया। और मतलब खुद पढ़ो और समाज को आगे बढ़ाओ।